श्री श्याम मंदिर में चोरी की बरामदगी व श्याम भक्तों व व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों को खारिज करने की मांग को लेकर धरना सातवें दिन भी जारी रहा। श्याम मंदिर के बाहर लगे धरने पर सातवें दिन हांसी की विधायक रेणुका बिश्नोई ने धरने पर पहुंचकर समर्थन दिया और सोमवार को हांसी बंद का भी सहयोग देने की बात कही। वहीं व्यापारियों और श्याम भक्तों ने रविवार शाम तक मांगे पूरे नहीं की तो कल सोमवार को हांसी पूर्ण रूप से बंद रखने की घोषणा कर रखी है। विधायक रेणुका बिश्नोई ने श्याम मंदिर के बाहर धरने पर पहुंचकर धरने पर बैठे लोगों से जानकारी ली और कहा कि शहर में जंगलराज फैला हुआ है। उन्हें बड़ा अफसोस है कि पुलिस प्रशासन निकम्मेपन के कारण चोरों ने भगवान के घर को नहीं बख्शा और शहर में लोग चरमराई कानून व्यवस्था से तंग है। आए दिन चोरी की वारदात होना यहाँ साफ दर्शाता है कि बेखौफ चोरों को पुलिस का कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि सात दिन बीत जाने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा चोरी बरामद न करना और उल्टा श्याम भक्तों पर मुकदमे बनाना यह साबित करता है कि वर्तमान सरकार आम आदमी को सुरक्षा देने में पूर्ण रूप से विफल है। उन्होंने कहा कि वे पुलिस प्रशासन से मांग करती है कि श्याम भक्तों पर बनाए गए मुकदमों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और बनती कार्रवाई उनकी मांग के अनुसार की जाए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं नहीं समझती कि नया साल इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारा नया साल की शुरुआत होती। मैं बहुत कड़ी निंदा करती हूँ इस बात की और मैं प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जो चोर है उनको पकड़ा जाए और जो मंदिर से चोरी हुई है उसकी रिकवरी जल्द से जल्द करवाई जाए। तो कल इन्होंने धमकी का आह्वान किया हुआ है, तो आपकी पार्टी की तरफ से समर्थन रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं हांसी वासियों से ये प्रार्थना करूँगी हम सब भाईचारा बना के रखें, हमें सब एकजुट हो, क्योंकि सामाजिक मसला है। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे NLO पार्टी हो, चाहे अन्य कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, हम सबको राजनीतिक पार्टियों को भूलकर एकजुट होकर हमें एक सामाजिक मंच पर एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ है, इसका हमें हल निकालने में हमें एकजुट होकर और हांसी शहर की जनता का हमें सहयोग करना चाहिए। ये जो बाहर लोग बैठे भी हैं, ये सब श्याम भक्त हैं, ये किसी का बुरा नहीं चाहते, ये किसी का बुरा करना नहीं चाहते। इनको सिर्फ इस बात का रोष है कि अभी तक इनको संतोष नहीं है प्रशासन की कार्रवाई से और प्रशासन के जवाब से, इसलिए ये अपना सिर्फ रोष दिखाने के लिए ये शहर बंद करना चाहते हैं। तो मेरी प्रशासन से अपील है, मैंने SP साहब से भी बात की है, DSP साहब, उन्होंने आश्वासन ज़रूर दिया कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात जो भक्तों की है वो संतोष नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनको कोई संतोषजनक ना तो प्रशासन से जवाब मिल रहा है और ना कोई रिकवरी के बारे में कोई भी उनको कोई सूचना मिल रही है। देखिए, हमारा पूरा सहयोग है इन सबके साथ, क्योंकि जो हुआ है बहुत ही निंदन, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि ये यदि मंदिर में भी यदि ये चोर यदि मंदिरों को भी नहीं बख्शेंगे, फिर तो आम आदमी अपने घर में सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे। तो ये एक सामाजिक मुद्दा है, ये कि सिर्फ श्याम भक्तों तक सीमित नहीं है। मैं समझती हूँ हमारा पूरा हल्का, पूरा शहर इस दुविधा में है और अपने आप को पूरा असुरक्षित महसूस कर रही है। हांसी में वारदात बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं तो प्रशासन की तरफ से कमी है, तभी इतने हादसे और इतने फ्रीक्वेंटली होते जा रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं दोष ज़रूर प्रशासन को दूंगी, क्योंकि यदि उनकी सिक्योरिटी टाइट रहे और समय पर यदि पहुंच जाए तो काफ़ी हद तक हम इन हादसों को होने से हम रोक सकते हैं। फिलहाल क्या चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या चल रहा है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ आपके सामने है, आप मुझे ज़्यादा आप भुगत भोगी है हादसे में किस प्रकार से। आप अपने हादसे का जब भी अखबार खोल के देखोगे तो सिवाय वारदातों के कुछ नहीं उसमें छुपा हुआ था। और ये बार बार अपील करने के बाद मुख्यमंत्री जी को पर्सनली मिलने के बावजूद भी उनको इतने पत्र भी लिखे हैं, विधानसभा में हर बार ये आवाज़ उठाई जाती है, उन्होंने यहाँ इसको घोषित ज़रूर कर दिया है पुलिस प्रशासन का जिला, लेकिन उस तरीके मुझे लगता है कि वारदात उसके बाद बढ़ती ही है, संख्या और बढ़ी है उसके बाद।